guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan and welcome to my another episode of my pregnancy series. This series is very close to my heart. और इससे पहले एक्चुअली मैंने अपने चैनल पे कभी ऐसी कोई सीरीज नहीं बनाई है. उसका मेन रीजन यही है कि इससे पहले मुझे इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई. एंड दिस इज अ ग्रेट फीलिंग. इट्स वेरी स्पेशल. दिस एपिसोड इज वेरी स्पेशल. मतलब ये पहले वाले एपिसोड से भी स्पेशल है. और अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो मैं आप इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगी. सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एपिसोड. दिस इज मोर स्पेशल टू मी बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल. एक्चुअली मैंने अपने चैनल पर कभी इतना पर्सनल कभी शेयर नहीं किया है. और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कह लो, पर्सनल कह लो, मिक्स फीलिंग है. बिकॉज आई विल स्पीक माई हर्ट आउट इन दिस वीडियो. बिफोर डिटेल में जाऊँ, सब कुछ बताऊँ एंड स्टार्ट करूँ वीडियो, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट. एंड या मेरे फर्स्ट एपिसोड में जिन्होंने प्यार दिया है और ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट. एंड या तभी मुझे हिम्मत मिली है दूसरा एपिसोड बनाने की. तो आई होप मैं कुछ दिन और बना पाऊँ क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास. और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज मैंने इनिशियल टाइम से ही सब कुछ मैं आप इसमें शेयर करने वाली हूँ. सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट माय मेंटल हेल्थ एंड माय फिजिकल हेल्थ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे क्या क्या इश्यूज आए. सो या आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस. Every woman wants to be a mother. ये बहुत ही great feeling होती है, बहुत ही special feeling होती है, जो सब women चाहती है कि एक ना एक दिन ये दिन आए. और जब तक ये time आता नहीं है ना, you don't feel that. मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है. Now I'm so positive about this procedure, pregnancy and everything. But जब तक नहीं था तब बिल्कुल ही अलग feeling थी मेरी. But वो जो अच्छी फीलिंग है ना, उसके साथ एक नेगेटिव फीलिंग आती है, विच इज अ फीलिंग ऑफ फियर. देर आर लॉट ऑफ फियर जिस जो मैंने फेस किए और जो आई थिंक बहुत लोग फेस करते होंगे, बहुत औरतें फेस करती होंगी. जिसमें से पहला फियर था फियर ऑफ डेथ. मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी जब मैं बच्चा पैदा करूंगी. एक्चुअली बचपन में क्या होता है, बचपना होता है बॉलीवुड मूवीज में क्या होता था, जब बच्चा होता था तो मम्मी वगैरह की डेथ हो जाती थी, जो मतलब माँ होती थी उसकी डेथ हो जाती थी. तो पता नहीं उस टाइम से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी बेबी करूँगी तो शायद ऐसा हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी. सुनने में जोक लगता होगा बट वो एक्चुअल में मेरे दिमाग में चीज़ बस गई थी कहीं ना कहीं. और शादी के बाद भी मुझे बहुत डर लगता था. बचपन में जो डर होता है ना, वो निकलने में काफ़ी टाइम लगता है. और वो मुझे लगा एक्चुअल में टाइम लगा डर निकलने में. तो मतलब निकल गया वो शादी के तीन साढ़े तीन साल बाद निकल ही गया वो हल्का फुल्का. क्यों निकल गया, क्योंकि अब मैं आती हूँ अपने सेकंड फियर पे. हेल्थ इश्यूज थे मुझे और वो भी ऑलमोस्ट टीन एज से ही थे. मेरे को स्टमक इशू रहते थे, स्टमक में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम लगी रहती थी. और मैंने उसका इलाज भी करवाया, आयुर्वेदिक भी लिया, काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया था. मैंने सुना था कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्न और मतलब स्टमक इश्यूज हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता था यार फिर मैं तो नहीं कर पाऊँगी यार, थोड़ा अजीब लगता होगा सुनने में. बट क्योंकि पहले से ही मैं नेगेटिव थी, तो एक होता ना एक और बहाना मिल जाता है कि नहीं यार अभी थोड़ा और टाइम, तब तक थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, मैं थोड़ा अपना और इलाज करवा लूँगी, किसी डॉक्टर से मिल लूँगी. और मिली भी थी बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डॉक्टर, मुझे नहीं सही लगा. फिर बोलते ना जो होना होता है वो होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है. मुझे ऐसा लगता है और बचपन से लगता है कि टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता. फिर एक टाइम आया और वो टाइम था जो पूरी दुनिया शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाली. वो टाइम था कोरोना का. 2020 में जब कोरोना आया तो ऑल ओवर इन द हाउस, मतलब वो हम जेल की तरह रह रहे थे. और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि उस टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया
बहुत कुछ सिखाया, सही बता रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, ये तो प्रॉब्लम है मेरी। कोरोना ने काफ़ी लोगों की जिंदगियाँ बदल दी, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ पास आ गए, किसी के डिवोर्स हो गए, बहुत कुछ हुआ एंड मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ। शुरू शुरू में बहुत इन्जॉय किया कोरोना, घर पे बैठ के कभी क्या किया, कभी क्या ये बनाया वो बनाया, सब ने ही किया, दुनिया ने किया इवन। बट एक टाइम आया जब आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली, ऐसा लगा कि देर इज समथिंग विच इज मिसिंग और जो मुझे परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। आप लोगों ने मेरे शायद कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मेरा नेफ्यू आता था मेरे घर पे, मेरी सिस्टर का लड़का, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। क्यों अटैच हूँ? क्योंकि बचपन से मैंने उसको घर पे देखा है, तो वो मेरे बच्चे की तरह ही मैं उसको मानती हूँ। तो जब वो रहने आया ना, दो तीन बार रहने आया एंड अच्छा लगा जब वो आया, बट जब वो चला जाता था ना, एक सेकेंड, तो जब वो चला जाता था ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या, वो खुशियां से चली जाती थी क्योंकि मैं उसके साथ चाहे कुछ ना करता हो, चाहे वो फोन पे लगा रहता हो, टीवी देखता हो, मुझको अच्छा लगता है। मुझे बचपन से एक्चुअली बच्चे भी बहुत पसंद है, तो शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और मैंने पंकज को बोला लेट हैव अ बेबी, साल को छोड़ के नेक्स्ट ईयर भी प्लान एंड जय माता दी। इन नवंबर स्टार्टिंग वी गॉट अ गुड न्यूज दैट आई वॉज प्रेगनेंट एंड वी बोथ वर सो हैप्पी। ऐसा लगा जैसे वाओ, मतलब हो गया, मतलब सीरियसली। असली प्रॉब्लम्स के बाद आई, बट प्रॉब्लम से पहले मैं बस थोड़ा सा वो फीलिंग बताना चाह रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी की, जो शायद मैं ज़िंदगी में कभी फील नहीं करती, क्योंकि हमेशा ये सुना कि 9 महीने ऐसा होता है, वैसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एंड में तो फिर जब बेबी होता तो वाट लग जाती है। तो वो सब मेरे जहन में हमेशा रहता था। और मेरी प्रेगनेंसी जब हुई भी, जब मुझे पता भी चला, उससे पहले भी मुझे ना स्पॉटिंग हो रही थी। स्पॉटिंग आई थिंक गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड, जो पीरियड से पहले होती है कुछ दिनों, पीरियड की एक दो दिन बाद तक रहती है, तो उस टाइप की हो रही थी। रिपोर्ट भी आ गई प्रेगनेंसी की, उसके बाद भी एक दो हफ्ते में मुझे कभी कभी लगता था कि स्पॉटिंग हो रही है। और फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने अपने गायनों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड वो एकदम से बोले कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी ना, तो मैक्सिमम जगह यही लिखा था कि इट्स नॉर्मल, तो मुझे लगा कि चलो देखती हूँ, शायद अभी ठीक हो जाएगा एक आध हफ्ते में, बट वो नहीं हुआ। एंड शी इमिजिएटली टोल्ड मी कि आप ये मेडिकेशन लो, और मुझे हर वीक एक इंजेक्शन लगता था, प्रोजेस्टेरोन करके एक इंजेक्शन था, और वो मुझे लगता था हर वीक, और मुझे मेडिकेशन पे भी रख दिया था और मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, जो 6 वीक में फिर हम गए। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी विच इज़ पॉजिटिव, वो मैं मूवमेंट बताना चाहूँगी। जैसे ही उसने मुझे बिठाया और अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया एंड वो एक आवाज़ मैंने सुनी एंड विच वॉज धक 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 एंड आई वॉज लाइक व्हाट वॉज दैट, मतलब मुझे समझ में नहीं आई ये आवाज़ किसकी है, मेरे दिल की धड़कन मुझे इतनी लाउड कैसे सुनाई दे सकती है। एंड इट वॉज माई बेबीज हार्ट बीट जो मुझे सुनाई दे रही थी। वाओ, व्हाट अ फीलिंग। आई डोंट नो, आई वांटेड टू शेयर दैट स्पेशल फीलिंग, लाइफ चेंज कर देती है। एंड एज सून एज आई हर्ड दैट धक धक, और उस डॉक्टर ने बोला ये आपकी ना बेबी की हार्ट बीट है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। बिकॉज हम इतने नेगेटिव थे, कि मैंने इतना पढ़ लिया था, क्या क्या लिखा हुआ था, मतलब कोई इंसान इतना नेगेटिव हो जाए ना वो पढ़ के,
इसलिए कभी भी मुझे ऐसा लगता है गूगल गूगल यूट्यूब कभी मत देखो यार, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर और डॉक्टर की बात मानो। बट वो मोमेंट जो था दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक वो फीलिंग मुझे कभी ज़िंदगी में आई थी, पता नहीं दोबारा आएगी नहीं आएगी, बट ये स्पेशल फीलिंग आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वो सब चीज़ें फील कर सकूँ। और उसके बाद मुझे लगा आई एम नॉट दैट सोनिया जो पता नहीं क्या क्या सोचती थी लाइफ में, कितना नेगेटिव कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मुझे लगा इससे अच्छी फीलिंग ज़िंदगी में मैं कभी नहीं फील कर सकती। टू बी अ मदर इज़ अ ग्रेट फीलिंग अ वुमेन कैन एवर हैव इन हर लाइफ। सो या दैट वॉज द गुड पॉइंट। अभी तक नेगेटिव चल रही थी मैं, बट ये वाला जो था वो बेस्ट था और आई वॉज लाइक अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर आगे कुछ कुछ वीक बीत रहे थे और वो इंजेक्शन भी लग रहे थे, दवाई भी ले रही थी, फिर भी वो क्लॉटिंग कम नहीं हो रही थी। देन हमने दोबारा बोला अपने डॉक्टर को कि अभी भी मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा था कि मैं खुश तो हूँ कहीं ना कहीं, बट कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो इतना क्रिटिकल होता है कि कुछ भी हो सकता है। और उसने फिर इमिजिएटली हमें बोला नेक्स्ट मंथ ही दिसंबर में ही कि एक बार फिर करवाओ। जब सेकेंड हमने करवाया अल्ट्रासाउंड, उसमें निकला सब क्रॉनिक हेमरेज, फर्स्ट वाले में नहीं निकला था। तब उसने हमें बोला कि नहीं आप ये दवाई चेंज करो, इंजेक्शन आपको कंटिन्यू लगेंगे। बट साथ के साथ उसने ये भी बोला कि 5% औरतों को ये होता है, और ये जब मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें उसने बोली कि बेड रेस्ट भी लो और कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना। कहीं ना कहीं होप भी थी कि सब ठीक हो जाएगा, तो लिया पूरा रेस्ट लिया, उसके बारे में भी पढ़ा। तो जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये सब क्रॉनिक हेमरेज होता क्या है, तो होता क्या है ना कि आपके यूट्रस में बच्चादानी में जब बेबी बनता है उसका जो सैक होता है तो एक प्लेसेंटा होता है जिससे बेबी की कॉर्ड जारी होती है, जहाँ से उसको सब खाना पीना सब कुछ ऑक्सीजन मिल रही होती है। यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में एक मतलब ये जुड़ा होता है वो साइड में से, और अगर उनके बीच में कहीं ना कहीं वो ब्लड इकट्ठा हो गया होता है जो पुराना कुछ होता है जो निकल नहीं पाया, तो वो धीरे धीरे पुराना ब्लड निकल रहा था। और मेरा एक्चुअली डार्क ब्राउन था, रेड नहीं था, कुछ नया नहीं था, वो तो वो पुराना ही निकल रहा था। लकीली कह लो थर्ड वाले अल्ट्रासाउंड में वो नहीं आया सब क्रॉनिक हेमरेज, एंड आई वॉज सो रिलैक्स, वी वर सो रिलैक्स, क्योंकि वो 3 महीने के बाद हमें वो जो खुशी थी एक्चुअल में फील हुई। और मैंने इवन अपने घर में भी मतलब मेरे मायके की साइड में भी किसी को नहीं बता रखा था, किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं बताऊँ कैसे, खुशी से बताऊँ दुखी से बताऊँ कैसे बताऊँ। तो जब वो फाइनल हुआ देन हमने बताया सबको। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर केस में ये ठीक हो जाता है, मैक्सिमम केस में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि नहीं अब ठीक हो जाएगा तो गायनो से क्या मिलना, डॉक्टर से क्या विजिट करना। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही डॉक्टर करो, स्टार्टिंग से डे वन से आपको जब पता चलता है ना तभी आप डॉक्टर कर लो। कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, डोंट टेक रिस्क, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने टाइम से जो करा है ना, प्रिकॉशन लिए हैं, दैट्स बिकॉज कि हमने टाइम से कंसल्ट कर लिया था और अकॉर्डिंग टू हर हम चले, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो दवाइयाँ हो कुछ भी हो, हमने टाइमली किया। हो सकता है कि नहीं लेते तो भी ठीक हो जाता, हो सकता है, बट वाई टू टेक रिस्क।
अपने लिए तो छोड़ो, अपने लिए तो तुम कभी भी नहीं लोगे, लेकिन अपने बेबी के लिए तो तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं तो यही बोलूँगी, डोंट एवर टेक एनी रिस्क इफ यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज ये बार बार होने वाली चीज़ें भी नहीं है। कुछ पता नहीं होता लाइफ का, बॉडी का, कि दोबारा वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर उस तरीके से होगा नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग। वैसे तो सब भगवान की कृपा से होता है, बट नहीं मतलब जिम्मेदारी भी कुछ होती है। स्टार्टिंग के 3 महीने लगा लो, सेकेंड थर्ड और फोर्थ मंथ मेरा बहुत नेगेटिव गुजरा, और दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इशू, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में ऐसे बातें आती है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, मतलब बहुत नेगेटिव हो जाता है दिमाग। और थोड़ा तो वैसे भी मूड स्विंग होता ही है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्रिटिकलिटी है प्रेगनेंसी में, तो सोचो वो और कितना ज़्यादा दिमाग में इफ़ेक्ट करता था। तो वो टाइम बहुत बुरा था मेरी लाइफ का, वर्स्ट टाइम था वो, स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे। बट वो एक तपस्या थी जो बस किसी तरीके से उसको मैंने निकाला है, मैंने और पंकज ने। आई थिंक पंकज की वजह से वो शायद टाइम निकला, नहीं तो मेरे आसपास कोई नहीं था। दूर से ही बातें होती है ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी इमोशनल सपोर्ट नहीं था, इमोशनल सपोर्ट था, बट जो मेन सपोर्ट था वो मेरा था, पंकज। थैंक गॉड ऐसा पति सबको मिले। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दो लोगों को सब चीज़ों को डील करना। ऑफिस होता है, घर का काम होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद एक दूसरे को समझना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक अच्छा पार्टनर होना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो औरतें देख रही है तो आई थिंक दे कैन रिलेट, बट अगर कोई के हस्बैंड भी साथ में देख रहे हैं तो आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ वुमेन, कि वो कितने बुरे टाइम से गुजरती है, और उस टाइम पे उसका साथ नहीं देता उसका हस्बैंड या फिर कोई भी, तो वो लाइफ टाइम याद रहती है चीज़ें। तो ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर मेरी भी, अगर मुझे लगता है मेरी फ्रेंड अगर ऐसे इस टाइम से गुजर रही है या फिर वो अकेली रह रही है, तो अब मैं और ज़्यादा समझूंगी कि हाउ वुड शी रिएक्ट, हाउ वुड शी फील। वो जो स्टार्टिंग के जो नेगेटिव टाइम होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें अगर कोई बात नहीं करता ना तो बहुत बुरा लगता है। मुझे पता था ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, बट दैट्स ऑल, दीज वर ऑल माई फियर प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी तक, और अभी भी मतलब चल ही रहा है टाइम, कुछ वीक और रह गए हैं, और अब ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग हो गई हूँ मैं पहले से। हाँ, फिजिकली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है 9 महीने तक, और 8वें 9वें महीने में तो और ज़्यादा रहता है, तो गुजर रही हूँ मैं उस चीज़ से, बट आई एम ओके, आई एम फाइन। मैं उस टाइप की लड़की हूँ ना कि मैं अपने में मस्त रहती हूँ, अपना वीडियो बनाया, अपना खाया पिया, ऑफिस गई, घूमा फिरा, इंजॉय करने वाली लड़की हूँ मैं, कभी ऐसे बैठ नहीं सकती। एक दिन अगर मुझे बुरा लगेगा ना तो दूसरे दिन मैं अपने आप नॉर्मल हो जाऊँगी, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई एम। तो द पीपल और द गर्ल और द वुमेन लाइक मी, अगर उन्हें वो लंबे पीरियड के लिए वो नेगेटिव जोन में जाती है, तो इट मीन्स वो वाकई में बहुत बुरे टाइम से गुजर रही हैं। सो पर ठीक है, वो टाइम गुजर गया, ऐसा टाइम सबकी लाइफ में आता है, हर प्रेग्नेंट लेडी के टाइम में आता है। आप बिना मतलब के रो रहे होते हो, आप बिना मतलब के चिढ़ रहे होते हो, आपको पता नहीं होता आप क्यों कर रहे हो ऐसा, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को बता नहीं सकते हो तुम अपनी फीलिंग, बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, जब इतनी अच्छी
खुशी भगवान दे रहा है तो ठीक है, ये चीज़ें भी आके चली जाएंगी। बट या आई एम सो हैप्पी, ये सब चीज़ें, ये जो फियर और ये जो डर होना बुरी बात नहीं है, बट हाँ इससे निकलना भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैं ऑलमोस्ट तो निकल ही चुकी हूँ, बस एक आखिरी जो पड़ाव होता है ना, जो एक ड्रैगन होता है मारियो में, वो रह गया है, तो वो भी निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं सोच रही उसके बारे में, क्या होगा कैसा होगा, नॉर्मल सिजेरियन जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा, आई ट्रस्ट हिम, सब ठीक कर देते हैं। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई नो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मैं, इसके बाद कोई इमोशनल वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, ये लास्ट था। इसके बाद कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी, थोड़ा फन भी करूँगी, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली डू प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। या बींग सेड दैट, I'm ending this video here. So goodbye to all. Take care of your health and your loved ones. And don't cry. Cry sometime, but don't forget to smile. Bye.